तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, देश की राजनीति में एक भूचाल पैदा करने वाली ये खबर है, क्योंकि ईडी ने आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने, ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए। क्या जांच के नाम पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों को इस तरह खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस तरह से चुनाव होता है? क्या किसी को भरोसा नहीं कि जनता से समर्थन मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है कि वे चुनाव में उतरने से पहले विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बंद करा रहे हैं? क्या जनता इतनी भोली है वह नहीं देख रही है कि ये जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष हैं? अगर ये निष्पक्ष हैं तो बीजेपी के नेताओं के घर का पता इन्हें नहीं मालूम? हर समय विपक्ष का नेता ही इन जांच एजेंसियों से क्यों घिरा नजर आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों को निपटाने की कोशिश लगती है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप 96% लोग वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।